तो सबसे पहले तो रितेश जी आपका स्वागत है दैनिक हरियाणा में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों को मूवी के बारे में बताइए, लाल परी जो मूवी है वो किस तरह की मूवी है? सर ये एक बहुत बड़ी कॉमेडी मूवी है और सूरज सर ने इसमें काम भी किया है और डायरेक्शन भी किया है और मेरा भी एक छोटा सा किरदार है लाल परी के अंदर जो कि अभी दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। आशा करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छे ब्लॉकबस्टर पे जाए और अच्छा बिजनेस करे। मूवी की स्टोरी के बारे में बताएं, किस तरह से क्या स्टोरी, किसके ऊपर स्टोरी बनी? सर ये तो मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन सूरज सर ही कर पाएंगे क्योंकि अभी ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। सूरज सर तो सर मूवी के अंदर आपका क्या रोल है? सर मेरा रोल है कॉमेडी कैरेक्टर है, एक सूरज का ही दोस्त बना हुआ हूँ मैं इसमें, सो मेरा भी एक कॉमेडी का कैरेक्टर है इसमें। सर अभी तक आपने कितनी मूवी की है? सर मैंने डेब्यूट किया था वैन ओबामा लव्ड ओसामा से जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, उसमें मैंने डेब्यूट किया था, छोटा सा कैरेक्टर था मेरा एक मिनट का। उसके बाद मैंने काफ़ी मूवी वगैरह की हुई है, कैरेक्टर भी एक मूवी की हुई है मैंने अभी जो कि आएगी, और उसके साथ साथ मैंने वेब सीरीज़ वगैरह भी की हुई है, टीवी के लिए भी काम किया हुआ है मैंने। अभी हमारा एक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ है जिसका नाम तकलीफ़ है और एक अभी शॉर्ट मूवी भी रिलीज़ हुई है जो कि क्राई के लिए खाली है, और एक अपकमिंग मूवी भी है मेरी जिसमें मैंने दो दिन का कैरेक्टर किया है, वो है ब्रह्मास्त्र जो आलिया और रणवीर के साथ है। Okay. तो सर अभी तक का ये बॉलीवुड का सफ़र आपका कैसा रहा? सर सफ़र तो देखिए सबका ही थोड़ा सा कठिन रहता है, सभी को मेहनत करनी पड़ती है, उलझा सुलझा सफ़र रहता है, बट मैंने भी वही मेहनत करी है और मंजिल पाने के लिए दिन रात भागा हूँ मैं भी, और धीरे धीरे मंजिल मिल भी रही है, अभी बहुत मेहनत कर रही है और आगे चल के आप लोगों को सभी को दिख ही जाएगा। सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था आपसे जब बात कर रहे थे कि आप डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आपका जो सबसे बेस्ट जो डायलॉग है जो अभी तक का, वो एक दर्शक चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को आप सुनाएं। देखिए एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट क्या होता है कि उस पर कोई भी छाप दे दी जाए वो उसको अच्छे तरीके से निभाता है। सो मैं जो अपने ऊपर बिलीव करता हूँ सारे कैरेक्टर कर लेता हूँ, बट मेरा जो खुद का अंदर का जोन आता है वो एक नेगेटिव क्रेजिट कैरेक्टर जो होता है वो आता है। सो एक मैंने कैरेक्टर किया था ऑडिशन मुंबई के लिए, सो मैं उसका आपको एक छोटा सा डायलॉग आपको सुनाऊँगा। मेरे गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं ये मैं नहीं जानता था, मैं तो बस इतना जानता था कि वो मुझे बस बचा कर रहे, नहीं तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ सब कुछ उसके हाथ में है, उसके हाथ में। तो सर जिस तरह का आपने डायलॉग बोला, एक विलन का रोल आप करते हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी आप इसी तरह के हैं? मैं बहुत ऐसे तो सीरियस कैरेक्टर हूँ और हंसता बोलता बस लिमिट के हिसाब से बोला नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप में कंजस्टेड बन के रहता हूँ, नहीं मेरे से ज़्यादा मतलब बोला चाला नहीं जाता, बट हाँ कोशिश है कि जहाँ जैसे लोग मिले उनके साथ मिल जाता हूँ। जी तो आने वाली कुछ एक मूवी के बारे में सर बताएंगे, कौन कौन सी मूवी अभी आपकी अपनी? देखिए अभी जो मूवी स्टार्ट होने वाली है एक वीक के अंदर अंदर जो हमारी मूवी है, उसमें मैंने एक किरदार मुझे सूरज सर ने दिया है, उसमें वसीम खान का किरदार दिया है मुझे, बहुत ही पावरफुल किरदार दिया है, और मैं कोशिश करता हूँ जो बिलीव मुझ पर सूरज ने दिखाया मैं उस पर खरा उतरूँ, वसीम खान के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बखूबी से निभाऊँ। सो मैं भी यही है बस, और बाकी आप लोगों के सामने जो कुछ आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल सर, हम भी दर्शकों से अपील करते हैं कि दर्शक भी थिएटर में जाएँ और सर की मूवी को इन्जॉय करें, दर्शकों के साथ साथ में हम भी जाएंगे थिएटर में सर की मूवी को इन्जॉय करेंगे। और सर ने भी बताया कि टोटली मूवी कॉमेडी के ऊपर है, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वहाँ पर ऑडियंस जो बैठा है वो बोर होके आएगा, टोटली 100% इन्जॉयमेंट मिलेगा। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि थिएटर में जाइए, सर का मूवी का आनंद लीजिए। तो सर हमारे भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए, और दैनिक हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से कि हम भी चाहते हैं कि आपकी मूवी बुलंदियों को छुए, और जो बड़ी बड़ी जो भी मूवी होती हैं जो बॉलीवुड के जो 200-300-400 करोड़ की जो बजट की जो मूवी होती हैं, आप उसी उन्हीं की तरह कोई अपना मुकाम हासिल करें। देखिए सर 2012 से लेके आज 2019 हो गया है, बस यही एक कोशिश जारी है कि जो आपने बोला है 300 करोड़, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है कि रितेश करण राजपूत कौन है। आजकल तो सर इंडिया के अंदर ना गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ही ट्रेंड चला हुआ कि जो हम काफ़ी सालों पहले जो लाखों करोड़ में करते थे वो बजट में कर लेते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से हमारी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप वो छोटे से बजट के अंदर और बड़ी सी मूवी बनाएं। ये काम तो सूरज सर का है, सूरज सर के मतलब मैं कहूँगा डायरेक्शन बहुत अच्छी है और अपने बजट के अंदर बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं, और मैंने काफ़ी काम किया हुआ है उनके साथ, काफ़ी मूवी वगैरह की हुई है और वेब सीरीज़ और सॉन्ग भी किए हुए हैं अभी। सो सब कुछ सूरज सर के ऊपर है, हम एज एन आर्टिस्ट अपना बेस्ट करेंगे। जो मुझे वसीम का कैरेक्टर, एक बार दोबारा बोलूँ, जो वसीम खान का कैरेक्टर मुझे दिया है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता बट जो मैं कैरेक्टर करूँगा
वो छाप छोड़ेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि ग्रे सर जो सेट कैरेक्टर्स होते हैं मैं उनको मैं अच्छी तरह से निभा सकता हूँ, वो मेरा खुद का ट्रस्ट है। क्योंकि शायद आप लोगों ने देखा होगा सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, दंगल पर क्राइम अलर्ट, सो कभी भी मेरा निकाल के देखिएगा लिंक वगैरह मुझे सर्च कीजिएगा, तो उसमें हमेशा मेरा जो काम मिलेगा आपको एक अलग ही बुलंदियों पे मिलेगा, देखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ें मैं अभी हमारी जो अपकमिंग मूवी आ रही है जो यहीं लोकेशन पे रेवाड़ी पे हम लोग करने वाले हैं उसमें वही देखने को मिलेगा और कुछ अलग देखने को अच्छा कैरेक्टर मिलेगा। तो सर रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक हरियाणा से जुड़ने के लिए और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।